अनुविभागीय अधिकारी राजीव समाधिया के द्वारा चाचोड़ा उप जेल में सुंदरकांड का पाठ करवाया गया, जिसमें सभी कैदियों ने सुंदरकांड का पाठ किया। इस तरह की सराहनीय पहल करने से कैदियों के मन में धर्म के प्रति भावना जागृत होती है और आगे से जिस कार्य के लिए वह सजा काट रहे हैं ऐसे कार्य को ना करें, ऐसी सीख मिलती है। चाचोड़ा से अमित चौरसिया की रिपोर्ट। श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं पदेन अधीक्षक महोदय श्री राजीव समाधिया साहब के मार्गदर्शन में आज ये आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन सब जेल चाचोड़ा में किया गया। साहब भी स्वयं उपस्थित हुए थे, अभी भी हैं, और इससे एक आध्यात्मिक धारा बह निकली है। बंदी बुराई का मार्ग छोड़ करके अच्छाई के मार्ग पर प्रशस्त होने की एक मंशा रखते हैं और आज बहुत ही अच्छा माहौल सब जेल चाचोड़ा में निर्मित हुआ है। ये कार्यक्रम हमेशा होता रहता है या पहली बार किया गया? ये अभी जब मेरी पदस्थापना हुई है उसके बाद से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं पदेन अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन अनुसार ये पहली बार हुआ है यहाँ पर। अभी बहुत अच्छा लग रहा, मन को भी मतलब संतुष्टि और मिल रही है इससे। और जैसे मतलब जैसे यहाँ पे सर SDM सर पहले आए थे तो सर जी से अपने निवेदन किया था, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे आपको क्या क्या प्रोग्राम है मतलब होते हैं, उन्होंने और खाने के बारे में पूछा, खाने के बारे में तो मुझे भी खड़ा किया था और लोगों से पूछा तो मतलब खाना एक नंबर यहाँ पर मिलता, जिस मतलब हर चीज़ से कहीं ना सुविधा रहित है यहाँ पे। उस क्या है, आप अपराध करके आए हैं और यहाँ सजा भुगत रहे हैं जी सर, तो ये जो सत्संग का कार्यक्रम इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? इससे वो ही मिलती है कि आगे से ऐसा कुछ मत करो, भगवान के प्रति रहो और जो भी ये वो हुआ मतलब गलती हुई है अपन से उसके लिए कहीं नाम से जो यहाँ पे हैं तो उसकी सजा है, और इसके बाद में बाहर निकल के नहीं अच्छा जीवन यापन करो और इससे इस चीज़ से दूर रहो जी। आप क्या कहेंगे सर? इससे हमें मन को बहुत शांति मिली है। जेलर सर को हम लोग शुक्रिया कहना चाहेंगे कि हम लोग थोड़ा बहुत तो यहाँ पर परेशान होते हैं लेकिन इससे हमें काफ़ी शांति मिली है, आगे हम कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।